बात करते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की, जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। बिजली की कीमतें हर आए दिन बढ़ती जा रही हैं, तो लोग आईपीपीस को कोस रहे हैं। लोग तो चले कोस रहे थे, गौहर एजाज साहब जो साबिक वजीर हैं वो सामने आए और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया आईपीपीस के साथ किए गए मुआहिदों को। तो वजीर तबनाई और उनके दरमियान हमने गर्मा गर्मी देखी। अब आप हमें बताएं कि इन दोनों में से सही बात कौन कर रहा है, और आईपीपीस के साथ मुआहदे क्या रिव्यू नहीं हो सकते? आयशा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गौर भाई जो है उन्होंने ये बात छेड़ी है। कितना अरसा वो पिछली हुकूमत में रहे हैं, पीडीएम की हुकूमत जो थी, 9 महीने 16 महीने, कितने महीने वो मिनिस्टर रहे हैं, वहां काबीना का हिस्सा थे, काबीना में बैठते थे, तो 16 महीने, तो क्या वो 16 महीने में ये मैटर को टैकल नहीं कर सकते थे? यही प्राइम मिनिस्टर था इस काबीना के अंदर, जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग उस काबीना के अंदर भी थे, तो क्या गौर साहब ने उस वक्त ये बात नहीं छेड़ी? आज याद आ गई है इनको, पहली बात तो ये है। तो इसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि आज क्यों इतना गरज रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने 16 महीने में ये मामला तय किया? क्योंकि मामला तो पुराना है, कोई नया मामला तो है नहीं, ये कोई नए स्टेटिस्टिक्स तो है नहीं। वो कहते हैं कि पिछले साल 2 खरब रुपए का हमने अपने ये आईपीपीस को वो हमने कैपेसिटी पेमेंट्स किए हैं, तो उससे पिछले साल जब वो पावर में थे तो आधा तो उस वक्त हुआ और आधा उससे पहले हुआ। तो मतलब कोई नई बात तो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जो इन्होंने आज डिस्कवर की है। तो इससे ये शक शुबात है कि शायद ये इनको नजर आ रहा है कि अब ये गवर्नमेंट को छुट्टी होने वाली है, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर सकी एस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंडा था, पीटीआई को भी कंट्रोल नहीं कर सकी, जजेस को भी कंट्रोल नहीं कर सकी, और वैसे भी लोग इनके खिलाफ होते जा रहे हैं, तो वक्त आ गया है शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ को कहे अच्छा चलो जी असेंबली को डिसॉल्व करें और घर जाएं, और हम एक केयर टेकर गवर्नमेंट लेके आते हैं, फिर उसको चलाते हैं अगले 8-10 महीने पर, देखते हैं आगे क्या होता है, खींच लेंगे, हमने पहले भी खींचा था तो अब फिर खींच लेंगे, ऐसी क्या बात है? तो और उससे फिर शायद गौर साहब जो है वो शायद फिर उनको एक बर्थ मिल जाए, एक सीट मिल जाए। तो एक तो ये मुझे जो समझ आ रही है जो आज जो इस बात को छेड़ा जा रहा है, क्योंकि गौर साहब जो कोई पॉपुलिस्ट तो है नहीं, किसी सियासी जमात के लीडर तो है नहीं कि उन्होंने किसी सियासी जमात को फरोग देना है, वो तो सिर्फ अपने आप को फरोग दे रहे हैं। मगर दूसरी बात ये है कि जो बात वो कह रहे हैं बात वो सही है, वो और बात है कि पहले क्यों नहीं की और आज क्यों कर रहे हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, बात वो सही कह रहे हैं। और उसके जवाब में जो लगारी साहब है उन्होंने जो जवाब दिया वो भी इतफाक करते हैं कि बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर वो भी वो कहते हैं कि आपको पता है कि हमारे मसले क्या है। अब मसला क्या है? मसला बड़ा सीधा सा है, ये मैंने पहले भी कहा है, कुछ लोगों को बात पसंद नहीं आई, खसूसन पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये बात पसंद नहीं आई। मैंने ये कहा था कि 92 के बाद जब जो आईपीपीस लगे थे वो बहुत गलत रेट्स के ऊपर तय हुआ था उस वक्त, और पीपल्स पार्टी की एक उम्र थी 94 में, और उस वक्त ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए और वो गलत कॉन्ट्रैक्ट थे, उससे बहुत बहुत प्रॉब्लम थे। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मगर इल्जाम बड़े लगे थे पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। और मुझे याद है अब भी डॉक्टर मुबशर हसन थे जो कि पुराने पीपल्स पार्टी के एक फाउंडर मेंबर थे, वोटर साहब के बड़े करीब रहे फिर छोड़ दिया। अब मेरी उनसे एक दफा बहस हुई, मैंने कहा जी, और मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब अब बिजली कोई नहीं, वो आईपीपीस लग रहे हैं तो लगने देना, आप क्यों कितना रोना धोना आपने डाला है कि ये गलत है, ये नहीं लगने चाहिए, ये टर्म्स नहीं ठीक। तो मैंने कहा रहने दें आप तनकीद तो लगने दें ताकि हमारी कोई बिजली तो आए। तो उन्होंने कहा नहीं ना जब ये आपके गले पड़ जाएंगे, ये सारी टर्म्स गलत हैं और इसको रोको, ये आपको बहुत तक आगे जाके वो सही दिखले मरूंग। He was right. He had a, he knew what was going on and he said so. और हम जैसे लोग थे जो कहते थे यार कोई नहीं, एनडीवी की उन्हें छोड़ा है, 1-2 सेंट ज्यादा ले ले उन्होंने, कोई गल नहीं, बड़ी सख्त जरूरत है, पाकिस्तान आने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो चलो दे दो यार ताकि मामला तो आगे चले। बट ही वॉज राइट, वो हमारे गले पड़ गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, अच्छा वो चली गई तो नवाज शरीफ साहब की आई, फिर ये आईपीपीस लगे, फिर इसी किस्म की टर्म्स हुई, और खुसूसन जो चाइनीज ने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ की उनकी जो टर्म्स थी वो तो दिखाई भी नहीं गई, बताया भी नहीं किसी को। हमें ये कहा जाता था मत पूछिए टर्म्स क्या है, मत पूछिए क्या रेट दे रहे हैं, क्योंकि चाइनीज ने हमें कहा कि आप नहीं कर सकते। ये उसी किस्म की सीक्रेट डील थी जिस तरीके के साथ आज मलिक रियाज साहब की सीक्रेट डील जेरे बहस है,
उसी किस्म की ये कॉन्ट्रैक्ट थे कि हमने नहीं बताना, चाइना ने हमें कहा कि आपने नहीं बताना, क्यों? हमने आपको बड़ी अच्छी टर्म्स दी है, अफ्रीका में हमने अच्छी टर्म्स नहीं दी। अगर अफ्रीकनों को और श्रीलंकन को पता चल गया कि हमने आपको बड़ी अच्छी टर्म्स दी है तो फिर वो हमसे भी बड़ी अच्छी टर्म्स मांगेंगे, इसलिए आप मेहरबानी करके टर्म्स ना बताएं। एक्चुअली आप पता चल रहा है कि उन्होंने भी आपको गले से पकड़ लिया था इतने हाई रेट्स, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बिजली इतनी महंगी है, क्योंकि वो जो आईपीपीज हैं उनको जो आपने वायदे किए हुए हैं जिनकी जो गारंटीज हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में नहीं है, वो इंसाफ उनको मिलेगा न्यूयॉर्क की अदालतों में। और आपको पता ही है वहां हमारे साथ दो हाथ ऑलरेडी हो चुके हैं, एक रिकॉर्डिंग के ऊपर और एक वो जो टर्किश कंपनी आई हुई थी जो कि आई थी बिजली देने के लिए आपको कार के। तो मतलब है कि इसीलिए इन आईपीपी को आप हाथ नहीं लगा सकते, आपको सबको पता हुआ क्या, सबको पता बड़ी ज्यादती है, मगर इनको आप हाथ नहीं लगा सकते। अगर आपने हाथ लगाया तो लेने की जगह देना पड़ जाएगा, जैसे आपके रिकॉर्डिंग में हुआ, और क्योंकि अदालतों ने वहां इंटरफेरेंस की उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया पाकिस्तान। तो ये मसला है, ये आईपीपी जो है पाकिस्तान की माशी हालत, हाँ पाकिस्तान की माशी हालत और दिगर गूं जो हालत है, क्या ये भी पाकिस्तान पेश नहीं कर सकता उजर के तौर पर इन आईपीपी से जान छुड़ाने की क्या कोई सूरत नहीं है? कुछ लोग कहते हैं एक सूरत है, एक सिचुएशन हो सकती है कि आप बंदूक रख दें। अच्छा, बंदूक रखने का भी मैं आपको बता दूं हुआ क्या, कि मुशर्रफ साहब जब आए थे 1999 में, फिर 2002 में उन्होंने नायब शैम बना दी, और चेयरमैन वापडा जो थे उनको एक जनरल को लगा दिया चेयरमैन वापडा, और चेयरमैन वापडा को कहा कि आईपी पट्टे चुक दे, सीधा कर दे रहे। तो चेयरमैन वापडा ने नायब के साथ मिलके तो जनाब आईपीपी के पट्टे चुक देते, तो उसमें कुछ वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट भी थे, तो एकदम जो रिएक्शन आया फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो ये इनकी हवाइयां उड़ गई, अब क्या करें, तो ये सॉरी 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 करके पीछे हट गए। तो इनका ये कहना था हमने कुछ आईपीपी के ऊपर तो बंदूक रख के कुछ गिरफ्तारियां की, जाली केसेस बना दिए लोगों के ऊपर, पकड़ पकड़ के थोड़ी पकड़ दकड़ की, मगर ये सस्टेन नहीं हो सका, और इवेंचुअली सारा मामला रिवर्स करना पड़ा। अच्छा। और आईपीपी को छोड़ दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो उल्टा हमारे गले पड़ जाएगा कहीं। तो अब बात यह है कि आपको करना तो है ये मामला, और ये आईपीपी ने बड़े पैसे बना लिए इसका भी सबको पता है, मगर इनके अंदर जो पार्टनरशिप्स हैं और वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की भी हैं और बाहर के लोगों की भी हैं, और उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशनल फंड्स भी हैं, वर्ल्ड बैंक के फंड्स हैं और भी इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं उनके फंड्स भी हैं। बड़ी चलाकी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए थे और ताकि प्रोटेक्शन रहे इन सबको, उनको पता था आगे जाके क्या होगा, सो दे मेड मिंटेड ट्रिलियंस। अब क्या रास्ता है, आप अदालतों में जा नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट आप यूनिलैटरली कैंसिल नहीं कर सकते, वो आपके साथ रिकॉर्डिंग वाला असर हो जाएगा, बंदूक आप रख नहीं सकते, आप रख के देख ली क्या हुआ। तो अब ये इस किस्म के मसले हैं, इतनी आसानी के साथ ये मसले हल नहीं होते। कुछ अब इस कुछ कुछ तो आपने पार्क कर दिया सर्कुलर डेट में, मगर फिर भी अभी वो कह रहे हैं कि बिजली का जो सिचुएशन है इस वक्त, जो आपके बिल आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि 50% बिजली बन नहीं रही मगर पैसे हम उसके दे रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट हमने कहा था कि इतनी बिजली इतनी आप प्रोड्यूस करेंगे, करें या ना करें हम पैसे देंगे। अब वो प्रोड्यूस उससे कम कर रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, और वो पैसे आपको सबके देने पड़ रहे। दूसरी बात यह है कि ये जो सारे बिल आपके जो बिल आ रहा है आयशा, 70% उसके अंदर जो चार्जेस है वो टैक्सेस है और आईपीपी की कैपेसिटी पेमेंट्स का बिल है। अगर ये ना हो तो आपकी बिजली 1/4 हिस्सा, तो इस वक्त आप अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो आपकी बिजली 30 रुपए की पड़ेगी आप। तो ये सारी महंगाई जो है बिजली की, ये एक आईपीपी की वजह से है, और उसमें चाइनीज आईपीपी भी इन्वॉल्व है और अमेरिकन आईपीपी भी है और इंटरनेशनल आईपीपी भी है। तो इस किस्म की सिचुएशन है। हमने पिछले साल 2 खरब रुपए आईपीपी की पेमेंट की है, और अब तक पिछले 10-15 सालों में हमने कोई 6,000 अरब या 6 खरब के करीब पैसे उनको दे चुके हैं, जो कि मतलब आप समझे कि उनकी जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए उसके ऊपर से भी बहुत कुछ उन्होंने कमा लिया है। तो अब क्या उनको किस तरीके से परसुएट किया जाए
कि भी आप ना लें या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें या कोई सेटलमेंट कर लें हमारे साथ, या अभी आप इतने पैसे हम आपको अगले इतने सालों में दे देंगे आप और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें। तो इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर अब ये काम पहले शुरू होना चाहिए था, अभी बहुत देर हो गई है, मगर अभी भी देर नहीं, इतनी देर नहीं है कि इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ तो लोगों को आप मना ही सकेंगे। तो अब ये इसके ऊपर कंसर्टेड एफर्ट करनी चाहिए टू ब्रिंग दी आईपीपीएस टुगेदर, पुट मीडिया प्रेशर ऑन देम, पब्लिक प्रेशर ऑन देम कि भाई आप लोगों ने बड़े पैसे कमा लिए, और एंड पर्सुएड देम कि जी आप वॉलंटरली स्टेप बैक इन ऑर्डर टू सेव द कंट्री। और पता नहीं अब मेरे से ये मुझे कहना तो ये नहीं चाहिए, बट हुकूमत के पास और भी बड़े रास्ते होते हैं प्रेशर डालने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, कैपिटलिस्ट के ऊपर, मगर इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप लोकल्स के ऊपर तो प्रेशर डाल सकते हैं बाय वेरियस मींस, आई डोंट वांट टू गो देयर, मगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ क्या करेंगे आप? तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान आए, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। वो पंजाबी का मकूला केड़े पासे जाइए तो मंडी किथे डाइए, आप भी अपने एनालिसिस में कोई ना कोई हल सामने लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हल कोई नहीं निकला। शायद हुकूमत भी इसी पेचो खम का शिकार है, शशो पंच का शिकार है, लेकिन बात यह है कि करे कोई भरे कोई, यानी मुआहदे करे हुकूमत और भर इस वक्त अवाम रहे हैं, उनकी जेबों से पैसे जा रहे हैं। वो बजट जो वो पहले ही बहुत मुश्किल से बनाते हैं उसका बड़ा हिस्सा अब बिजली के बिल्स की अदायगी में चला जाता है, लेकिन मसला यह है कि अवाम जाके किसका गरेबान पकड़े। गिने चुने आईपीपीस को तो कटहरे में नहीं लाया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को बिजली के भारी बिल्स भेजकर निचोड़ा जरूर जा सकता है।